योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी यान्ति देवव्रता देवान पितृण्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम, अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्र में पितरों का बहुत खास स्थान होता है। ऐसा कहा जाता है कि परिवार की सुख शांति और समृद्धि में पितृ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृत्यु के बाद कई पितरों को मोक्ष मिल जाता है या फिर उनका पुनर्जन्म हो जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह लगता है कि उनके पितृ की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। तो आपको बता दें, पितृ की आत्मा की मुक्ति के लिए पितृपक्ष का महीना सबसे सही और सबसे उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध कर देने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसी प्रकार पितृ भी अपना नाम पुकारे जाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिन लोगों को लगता है कि उनके पितृ को मोक्ष नहीं मिला है, उन्हें अपने घर में गीता का पाठ करना चाहिए। गीता में 18 अध्याय हैं और वैसे तो गीता के सभी अध्याय का पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर सभी अध्याय का पाठ करने में आप सक्षम नहीं हैं और उन्हें नहीं पढ़ सकते, तो पितृ मुक्ति से जुड़ा 7वां अध्याय जरूर पढ़ें। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है तो परिवार हमेशा उन्नति करता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मृत व्यक्ति की तस्वीर को हमेशा घर के दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। कभी भी उनके फोटो को मंदिर, बेडरूम, ड्राइंग रूम या किचन में नहीं लगाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति और वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। यही नहीं, पितर की फोटो ऐसे किसी जगह पर नहीं लगाएं जहां पर आपकी नजर उन पर हमेशा पड़े। दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।